हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आप मेरे साथ पहला लेक्चर पढ़ रहे हो, तो मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम निखिल सर है और दर्शन सर, ध्यान सर के अलावा ध्यान कॉमर्स में मैं आपको टीचिंग करवाऊंगा। यानी हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो ऑलवेज अकाउंटेंसी रिलेटेड होगा। स्टैटिस्टिक ध्यान सर आपको करवा रहे हैं और अकाउंट जब भी आपको दर्शन सर करवाएंगे। और दर्शन सर के अलावा हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ चैप्टर्स या होंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा। यानी दर्शन सर के अलावा अकाउंट्स आप मेरे साथ भी पढ़ने वाले हो हर एक सेमेस्टर में, राइट? तो आज हम जो आपके लिए सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी 1। आपके एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1 में दो अकाउंट है, उसमें से अकाउंटेंसी 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसमें से यूनिट नंबर 3 जो आप मेरे साथ पहले पढ़ोगे वो है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स। ज्वाइंट वेंचर आगे आपने जो कंसाइनमेंट पढ़ा है ना, उसके थोड़े से मिलता जुलता है, यानी कि उसके साथ कनेक्शन में है। तो वो जो वहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन आ रहे थे जो आपने दर्शन सर के साथ पढ़े हुए हैं, वैसा ही कुछ बिजनेस का टाइप है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स। ज्वाइंट यानी कि इकट्ठा होना, संयुक्त गुजराती में इसको बोले। वेंचर यानी कि साहस, साहस यानी एक तरह का बिजनेस करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर पार्टनर इकट्ठा हो रहे हैं और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं चलो बिजनेस करें, हाँ, तो उसको ज्वाइंट वेंचर बिजनेस बोला जाता है। सब कुछ डिटेल में समझने के लिए अभी आपके पास बोर्ड पे मैं जो वर्क करवाऊंगा अच्छे से मुझे सुनना है, तो आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे। फिर इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम यही चैप्टर की सारी डिटेल जनरल एंट्री के साथ हम देखेंगे, राइट? तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी 1 और यूनिट कौन सा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। चलिए डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो वर्ड पे ध्यान रखोगे सारी चीजें समझ में आती जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, अगर जनरली आप क्लास में होते हैं तो ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ और आप में से काफी सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे देते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के कितने टाइप्स हैं? तो कई बच्चों को आंसर पता होगा, ये आप आगे पढ़ चुके हो। सबसे पहले टाइप का बिजनेस दैट इज ओनर्स बिजनेस। ओनर्स बिजनेस यानी कि एकांकी ट्रेडिंग, एकांकी धंधो, एकांकी व्यापारी जिन्हें तुम्हें पहुंचो। सिंगल ओनर, एक ही इंसान हो और वो अपना शॉप चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप बिजनेस। ओनर बिजनेस बोला जाता है उसको। सेकेंड दैट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म। अगर एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो तो एक इंसान के बस की बात ना हो बिजनेस करने का, दो या तीन या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो ऐसा सोच रहा है कि चलो हम पार्टनर बन जाते हैं, साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। हाँ, दो से या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? थर्ड टाइप का बिजनेस भी है। तीसरे टाइप का बिजनेस वो कौन सा होगा? कंपनी। कंपनी भी एक तरह का बिजनेस है। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो लोग ये सोच रहे हैं कि लोगों के पैसों से चलो बिजनेस करते हैं, शेयर इश्यू करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे, सिक्योरिटी इश्यू करके लोगों के पास से पैसे लेंगे और उसी पैसों से बिजनेस चलाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन वो लोग करवाएंगे, तो वो कौन से तरह का बिजनेस होगा? कंपनी। तो ऐसे तीन तरह के मेन बिजनेस के टाइप्स है, ओनर्स बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। हमारा जो ये चैप्टर है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वो किसके जैसा है? तो वो है पार्टनरशिप फॉर्म जैसा। जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसके जैसा ही हमारा बिजनेस है, यानी ज्वाइंट वेंचर आपको पार्टनरशिप फॉर्म जैसा लगेगा, राइट? चलिए तो अब आगे हम समझने जाएंगे कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म जैसा है, तो पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग क्या रहता है। सो नेक्स्ट आइडी वो आप पढ़ोगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये लिखा मैंने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं मीनिंग ऑलवेज। यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट इन अ बिजनेस टू पर्पस ऑफ अर्न प्रॉफिट, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट इन अ बिजनेस टू मेक अ प्रॉफिट,
purpose of make a profit. It is called partnership firm. जब दो या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हो और उनका purpose होता है to make a profit, to earn profit. उनको profit earn करना है. कोई loss करने के लिए business में नहीं आता. हम profit earn करने के लिए अगर business में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? Partnership firm. हमारा joint venture इसके जैसा ही है. तो अब हम meaning देखेंगे. Meaning of joint venture. बहुत ही अच्छा मीनिंग. सेम आपको पार्टनरशिप फॉर्म जैसा लगेगा पर उसमें कुछ चेंजेस होंगे. मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर. वेंचर का मतलब होता है साहस. वेंचर का मतलब क्या होता है? साहस. जॉइंट यानी संयुक्त साहस. इसको गुजराती बोलो, गुजराती में बोलो तो संयुक्त साहस. अब जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होगा? तो पार्टनरशिप फॉर्म जैसा होगा. अच्छे से सुनोगे आप मीनिंग. व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट इन अ बिजनेस टू मेक अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट for a short term period of time with the name of firm or without name of firm is called joint venture business. Joint venture का meaning क्या हो रहा है? When two or more person joint in a business to make a short term profit for a short term period of time with the name of firm or without name of firm is called joint venture business. जब दो या उससे ज्यादा लोग पार्टनरशिप फॉर्म जैसा हुआ, दो या उससे ज्यादा लोग बिजनेस में एंटर हो रहे हो और उनका पर्पस क्या है? मेक अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट. कुछ कम प्रॉफिट मिल गया कुछ कम पीरियड के लिए प्रॉफिट अर्न हो गया, फिर बिजनेस खत्म, काम खत्म, बिजनेस खत्म. तो ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोलेंगे. अच्छा, विथ नेम भी कर सकते हैं, विदाउट नेम भी हो सकता है. और अगर आप कोई बिजनेस ऐसा चला रहे हो जिसमें आपको बिजनेस का नाम देना हो तो नाम दे सकते हो या विदाउट नेम भी आप कर सकते हो. तो ऐसे बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट वेंचर बिजनेस. ये पार्टनरशिप फॉर्म जैसा है पर ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एग्जाम्पल दे दूँ. कोई TCS में, TCS है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आप जानते हो TCS. बराबर, अगर कोई TCS कंपनी में काम कर रहा है और वो लोग दो पार्टनर है, दो फ्रेंड है, ए और बी दोनों फ्रेंड है और ये सोच रहे हैं कि चलो हम पार्टनर बन के कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं. क्योंकि वो TCS कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनके जॉब का टाइम सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक वो लोग काम करते हैं. और TCS में 6 बजे के बाद या 5 या 6 बजे के बाद वो जो कंपनी है फिर उसके बाद वो लोग फ्री रहते हैं. तो शाम के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो काइट फेस्टिवल आ रहा है, अभी जनवरी में आएगा, उससे पहले दिवाली आएगी, तो ऐसा कोई सीजन आ रहा है. तो वो लोग ऐसा सोचे ए और बी दोनों मिलके कि चलो हम ऐसा काइट फेस्टिवल में काइट बिजनेस करते हैं. कौन सा बिजनेस करेंगे? अगर काइट बिजनेस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? जनवरी से पहले वो लोग ऐसा कोई एरिया में सेक्टर 21 या कोई और सेक्टर में वो लोग ऐसा छोटा मोटा काइट का पूरा शॉप बना देंगे और शॉप में वो लोग काइट का पूरा सेलिंग करेंगे. फिर क्या होगा? जैसे ही जनवरी गया, फेब्रुआरी आया, कोई आपकी शॉप पे काइट लेने आएगा? उत्तरायण चली गई, फिर कोई पतंग लेने आएगा? नहीं आएगा. तो ये कौन सा तरह का बिजनेस हुआ? जॉइंट वेंचर. जब आपके पास पूरा फुल टाइम ना हो पर पार्ट टाइम, आपके पास कुछ कम ऐसा टाइम है जो आप एक्स्ट्रा कोई बिजनेस के लिए आप सोच सकते हो. हाँ, ये दोनों पार्टनर जॉब करें, ए और बी, वो लोग जॉब करने के साथ साथ ऐसा सोच रहे चलो शाम के वक्त फ्री है तो ऐसा कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, सीजनल बिजनेस. जैसे अभी दिवाली आ रहा है, क्रैकर्स का बिजनेस कर ले. हाँ, तो क्रैकर का बिजनेस कब होगा? दिवाली के वक्त. अगर दिवाली चली गई फिर उसके बाद क्रैकर्स का बिजनेस कम होता है. सीजन अगर मैनेज सीजन हो तो ही उसका सेल आउट होता है. तो ऐसा कोई बिजनेस करे कि जिसमें उनको थोड़ा सा टाइम दे, थोड़े से कम पीरियड में उनको प्रॉफिट अर्न हो सकता है. तो ऐसे कोई भी सीजनल बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए अगर पार्टनर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको कौन से टाइप का बिजनेस बोलेंगे? जॉइंट वेंचर बिजनेस. समझ में आ रहा है? दो पार्टनर TCS में जॉब कर रहे हैं, शाम के वक्त वो लोग फ्री है तो वो लोग सोचते हैं चलो ऐसा कोई सीजनल बिजनेस जो 1-2 महीने या 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक उनको चलाना हो, ऐसा 1-2 महीने या 3-4 महीने का बिजनेस अगर वो लोग कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर बिजनेस. पर उसके अकाउंट लिखना भी जरूरी है ना कि बिजनेस में चलो ये हमने काम किया, हाँ पूरा काइट फेस्टिवल का बिजनेस किया, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये जानने के लिए तो उनको अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे ना. तो जो अकाउंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा. ऐसे टाइप के बिजनेस के हम अकाउंट्स लिखते हैं तब उसको जो वर्क करेंगे वो होगा हमारे लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट. चलिए, तो अब आपको एक मेजर एक और चीज समझा देता हूँ जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिटेल में पढ़ने वाला है पर अभी हेडिंग थ्रू आप उसको देख सकते हो. दैट इज डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर
and partnership firm. पार्टनरशिप फॉर्म एज वेल एज ज्वाइंट वेंचर के बीच का डिफरेंस आपको समझाना है. और पार्टनरशिप फॉर्म और ज्वाइंट वेंचर में मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, पार्टनरशिप फॉर्म वो लीगल है, वो कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप का पूरा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. भाई इसके लिए ना पार्टनरशिप एक्ट है 1932, भागीदारी कायदों पार्टनरशिप एक्ट है इसके लिए, जबकि ज्वाइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई एक्ट है नहीं. पार्टनरशिप फॉर्म कैसा है? लॉन्ग टर्म है. वो पार्टनर ऐसा नहीं सोचते कि चलो आज बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप ओपन किया, लोगों को आइसक्रीम खिलाया, शॉप ओपन करके लोगों को आइसक्रीम खिलाया, दुकान का पूरा उद्घाटन किया और दूसरे दिन या एक महीने के बाद वो बंद हो गई, ऐसा नहीं होता. पार्टनरशिप फॉर्म का पर्पस क्या होता है? वो लोग लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रन करना चाहते हैं. जबकि ज्वाइंट वेंचर कैसा बिजनेस है? वो शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ कम टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, जैसे वो सीजन आया बिजनेस भी खत्म हो गया. तो पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग है जबकि ज्वाइंट वेंचर शॉर्ट टर्म है. पार्टनरशिप में फॉर्म का नाम देना जरूरी है, यानी जो आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं उसका पर्टिकुलर नाम देना होना चाहिए. मेहता एंड सन्स, कपूर एंड ब्रदर्स, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, वो फॉर्म के नाम होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के. यानी फॉर्म का नाम ऑलवेज होता है, ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस का नाम वो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि आप काइट फेस्टिवल में कोई काइट शॉप ओपन कर रहे हो पर आपके दुकान का नाम देना हो तो दे सकते हो, ना देना हो तो नहीं हो सकता. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस का नाम होगा ही, विदाउट नेम भी आप बिजनेस कर सकते हो. पार्टनरशिप में नाम होता है जबकि ज्वाइंट वेंचर में नाम नहीं होता. अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म एट द लास्ट उसका डिसोल्यूशन कभी नहीं होता जब तक पार्टनर ना चाहे तब तक, जब तक पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. आज बिजनेस स्टार्ट किया, उसको 5 साल 10 साल 15 साल जब तक पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलता है. उसका डिसोल्यूशन, विसर्जन, वो बंद नहीं होती कभी. जबकि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? काम खत्म, बिजनेस एंड. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, फॉर एग्जांपल कोई आप बिल्डिंग एग्जांपल ले लो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर आप बोल दो कि होटल्स वगैरह आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. हाँ, कोई भी होटल कंस्ट्रक्ट करो, मल्टीपल थिएटर्स हो आप कंस्ट्रक्ट करके दो, तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस करो. जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी अगर बिल्डिंग बना के दे दोगे तो आपका काम खत्म. तो ज्वाइंट वेंचर कैसा बिजनेस है? उसका एक टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो बंद हो जाता है. तो ज्वाइंट वेंचर एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म लॉन्ग लास्टिंग है. समझ में आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस? पार्टनरशिप फॉर्म और ज्वाइंट वेंचर दोनों एक जैसे हैं पर दोनों में फर्क है, राइट? अब हम समझने जाएंगे इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो, जो मैं इसके लिए थोड़ा सा बॉर्ड रफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बॉर्ड रफ कर देता हूँ और आपको एक दो और चीजें समझाऊंगा, राइट? अब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कर रहे, जब ऐसा शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस में लिखने की मेथड्स कितनी है. तो अब हम स्टार रेटिंग हेडिंग देने जाएंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कीपिंग बुक्स इन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस. भाई ज्वाइंट वेंचर अगर बिजनेस चला रहे हो तो उसमें कितने तरह के अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं, मेथड्स ऑफ कीपिंग बुक्स इन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस. अब वो मेथड कितने तरह की है तो उसके लिए आपको बोर्ड पे समझना होगा. टोटल दो मेथड है, उसमें से सबसे पहला नंबर ए, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, जब कोई अलग से बुक बनाई नहीं जाती. व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, दैट मींस पार्टनर आर राइटिंग अ अकाउंट, जब पार्टनर खुद अकाउंट लिख रहे हो, एक पार्टनर अकाउंट लिख रहे हो या दोनों पार्टनर अकाउंट लिख रहे हो, जब अलग से बुक नहीं बनाई जाती. ये हमारी फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर ए, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर कीप्ट. अगर दो पार्टनर है, समझो ए और बी, और दोनों पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अकाउंट शायद ए लिखेगा या बी लिखेगा, या फिर ए और बी दोनों अपने अपनी बुक में अकाउंट लिखेंगे, तो वो हमारी फर्स्ट मेथड रहती है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर कीप्ट, यानी अलग से बुक बनाई नहीं जाती. तब कितने अकाउंट बनेंगे?
एक पार्टनर के रूप में सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो बिजनेस का अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहला अकाउंट जो कि हमारे लिए बिजनेस अकाउंट है, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट। आपने आगे दर्शन सर के पास कंसाइनमेंट अकाउंट सीखा हुआ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसा है, वो बिजनेस का अकाउंट है। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो जॉइंट वेंचर का, ये उसका अकाउंट है। उसका रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट दी इनकम। डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट दी इनकम। जैसे आप कंसाइनमेंट में करते थे ना बिजनेस में, बिजनेस के खर्चे सारे डेबिट करो, इनकम सारी क्रेडिट करो, सेम रूल जॉइंट वेंचर को अप्लाई होता है कि कोई भी खर्चे करो तो डेबिट कर रहे, इनकम करो तो क्रेडिट। और लास्ट में जैसे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है ना कंसाइनमेंट में, वैसे ही सेम जॉइंट वेंचर में भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट। तो ये सबसे पहला अकाउंट बनेगा जब अलग से बुक नहीं बनाई जाएगी, यानी पार्टनर खुद अकाउंट लिखेंगे। दूसरा अकाउंट, अगर ए और बी पार्टनर है तो अदर पार्टनर अकाउंट। अदर पार्टनर अकाउंट का मतलब क्या होता है, दूसरे पार्टनर का अकाउंट। सपोज ए की बुक में आप अकाउंट लिख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए, ए की बुक में अकाउंट लिख रहे हो, तो ए की बुक में अदर पार्टनर यानी कौन हुआ, बी अकाउंट। समझ रहे हो, अगर आप ए हो, आप कौन हो, ए हो, ए की बुक में किसका अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट एज वेल एज बी अकाउंट, यानी दूसरे पार्टनर का अकाउंट। अगर मैं ए हूँ, मैं एक इंसान हूँ ए, तो मेरी बुक में जॉइंट वेंचर एंड बी अकाउंट, दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे। अब ये अदर पार्टनर अकाउंट के लिए कौन सा रूल लागू होगा, वो पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति खाते, ये पर्सनल अकाउंट को वही रूल लागू होगा, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अगर पार्टनर बिजनेस में से कोई चीज ले जा रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है, वो पैसे कुछ वगैरह दे रहा है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, इसको ये रूल लागू होगा। यानी जब अलग से बुक बनाई नहीं जाती, पार्टनर खुद अकाउंट लिखते हैं, तब कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट। ये हमारी कौन सी मेथड है, फर्स्ट मेथड है, पर इसके अलावा एक और मेथड है, मेथड नंबर बी। इससे उल्टा, व्हेन सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, जब अलग से बुक बनाई जाती है, अलग से बुक बनाई जाती है मतलब जब ऐसा समझ लो कि दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर के पास बहुत टाइम नहीं रहता, वो काइट फेस्टिवल का बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर बिजनेस अकाउंट लिख रहा है, दूसरा बिजनेस संभाल रहा है, पर बहुत सारे कस्टमर शॉप पे आ रहे हैं। अब अकाउंट लिखने बैठोगे तो सेल कब करोगे, बहुत सारे कस्टमर आ गए, दुकान आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो जब आप अकाउंट भी लिख रहे हो एज वेल एज शॉप भी चला रहे हो, तब आपके पास बहुत सारी मुश्किलें आएगी। तो ऐसा ना हो दोनों पार्टनर मिलकर ये सोचे, भाई हम दोनों दुकान संभालते हैं, हिसाब लिखने के लिए एक अकाउंटेंट रख देते हैं। जब आप अकाउंटेंट लिखते हो तो जब अलग से बुक बनाई जाती है, यानी कि अकाउंट कौन लिखेगा, व्हेन अकाउंट्स आर रिटन बाय अकाउंटेंट, आपका अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट लिखेगा। यानी आप अकाउंटेंट रख रहे हो और वो अकाउंट लिख रहा है, तब क्या होगा, तब बिजनेस में कितने अकाउंट्स बनेंगे, अब आपको वो समझना है। तो सबसे पहला अकाउंट जो आगे बन चुका है, दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर यानी बिजनेस का अकाउंट है, ये पहला अकाउंट प्रिपेयर होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद सेकेंड अकाउंट बनेगा, दैट इज न्यू अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट का मीनिंग समझना है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जॉइंट वेंचर अभी मैंने आगे आपको समझाया, जब अलग से बुक बनाई जाती है, यानी अकाउंटेंट अकाउंट लिख रहा है, तब सबसे पहला अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर बिजनेस का अकाउंट, फिर बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं, जो आपके पास अकाउंटेंट है वो ये बोलेगा कि भाई मैं आपके पास ट्रांजेक्शन पूछना होगा, ए को पूछेगा भाई आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, बी को पूछेगा आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, काम आसानी से चले, इसलिए अकाउंटेंट क्या बोलेगा, भाई आप ऐसा करो कि हमारा जॉइंट वेंचर का बैंक अकाउंट ओपन करवा दो और बैंक से सारे ट्रांजेक्शन करो। तो इससे क्या होगा, आपका बैंक में जब ट्रांजेक्शन करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपने 1000 भरे हो और आपको 10 रुपए की एंट्री आई हो, नहीं होता, बैंक में कभी मिस्टेक होती है, नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अकाउंटेंट है वो ये बोलेगा कि भाई जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवा दो, और ट्रांजेक्शन कहाँ से करो, परचेज सेलिंग वगैरह कहाँ से करो, बैंक से करो, तो उनके लिए आसानी रहती है, तो वो लोग जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। कब, व्हेन सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, तब जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा। और जॉइंट बैंक का सिंपल रूल है,
डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश के जैसे बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, पैसे जा रहे हो तो क्रेडिट, ये दूसरा अकाउंट बनेगा। और तीसरा अकाउंट दैट इज ऑल पार्टनर अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर है उसके लिए सभी एक जैसे, ऑल पार्टनर अकाउंट्स। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो, यानी ए और बी दो पार्टनर है, अकाउंटेंट दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करेगा और उसमें कॉलम आ जाएगी, ए और बी की कॉलम। अकाउंट एक ही बनाना है पर उसमें ए और बी दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर की कॉलम बन जाएगी। तीसरा अकाउंट, अकाउंटेंट के लिए दोनों पार्टनर इक्वल है तो अकाउंटेंट जब अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो ये तीन अकाउंट मेंशन करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, ऑल पार्टनर अकाउंट। ऑल पार्टनर अकाउंट को रूल कौन सा लागू होगा, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर, इसको पर्सनल अकाउंट का लागू पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जब अलग से बुक बनाई जाती है तो तीन अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एज वेल एज ऑल पार्टनर अकाउंट। ये मेथड में क्या होता है, आंसर टैली हो जाता है, इसको हम सब में भी समझने वाले हैं। सो हम सबसे पहले जो मेथड स्टार्ट करेंगे ना वो यही वाली मेथड है, सेकेंड वाली मेथड। हम पहली मेथड भी करेंगे, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है और दोनों मेथड एग्जाम में आपको पूछता है, पर सबसे फेवरेट बच्चों की ये वाली मेथड है, व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट, जब अलग से बुक बनाई जाती है, यानी अकाउंटेंट अकाउंट लिख रहा है तो उसमें ट्रांजैक्शन ऑलवेज बैंक थ्रू होंगे। तो ये तीन अकाउंट वाली मेथड हम पहले समझेंगे और सारा वर्क आपको नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अभी देखने को मिलेगा। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटेंसी 1 और उसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। आगे आपने वीडियो लेक्चर में ये जॉइंट लेक्चर अकाउंट का पूरा वर्क बोर्ड पे देख लिया है, वही वर्क अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT थ्रू प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको सारा टॉपिक डिटेल में समझ आ जाए, राइट। तो चलिए, चैप्टर हमारा अकाउंटेंसी 1 का है जॉइंट वेंचर अकाउंट, यूनिट नंबर 3, स्टार्ट करें उसको समझना। चलिए अब हमारा चैप्टर जॉइंट वेंचर अकाउंट डिटेल स्टार्ट करता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स के बिजनेस होता है। तो बिजनेस टोटल 3 तरह के होते हैं, देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। और वो कौन सा है, सबसे पहला ओनर्स बिजनेस, यानी कि एक इंसान है और वो बिजनेस रन कर रहा है तो उसको ओनर्स बिजनेस बोला जाता है। सेकंड दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, अगर दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि एक साथ बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करें तो दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं लोगों के पैसे से बिजनेस करना है तो दैट इज़ कंपनी, वो कंपनी शुरू कर सकते हैं, कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो बिजनेस चला सकते हैं वैसे भी। तो बिजनेस के टोटल 3 टाइप्स है, कौन कौन से, ओनर्स बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। तो ये 3 तरह के बिजनेस में से जो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना, यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस, वो पार्टनरशिप फॉर्म जैसा है। यानी कि अब हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, भाई पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, अब उसका मीनिंग देखना ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म क्या है। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट इन अ बिजनेस विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। जब व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज़्यादा लोग ज्वाइंट इन अ बिजनेस, बिजनेस में ज्वाइंट हो रहा है पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, यानी उनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर बिजनेस आप रन कर रहे हो तो उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होगा। कोई ऐसा सोच रहा है कि चलो हम लॉस करने के लिए ज्वाइंट हो गए, लॉस करने के लिए कोई बिजनेस में आता है, नहीं आता। तो उनका गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। जब एक या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साथ में वो लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइंट बिजनेस करते हैं तो फिर अगर उनको प्रॉफिट अर्न करने का गोल है तो हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो बहुत ही ईजी मीनिंग पार्टनरशिप फॉर्म का। अब हम देखने जाएंगे हमारे चैप्टर का मीनिंग, यानी पार्टनरशिप फॉर्म जैसा जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर समझेंगे। उसको लिखा हुआ है वहाँ पे, व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट इन बिजनेस टू मेक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड विद नेम ऑफ फॉर्म और विदाउट नेम ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। देखो यहाँ पे भी टू और मोर पर्सन, यानी एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, जैसे पार्टनरशिप में भी दो या उससे ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा लोग जब बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे देखो टू मेक अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट,
कैसा प्रॉफिट अर्न करना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, अगर बहुत ही कम टाइम के लिए इकट्ठा हो रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, ऐसा नहीं है कि सालों तक प्रॉफिट कमाते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म यानी कि अभी सीजनल बिजनेस कर रहे हो, तो कोई सीजन आ रही है और उस हिसाब से वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उसको कहेंगे जॉइंट वेंचर बिजनेस। उसमें वो फॉर्म का नाम दे सकते हैं, नेम ऑफ फॉर्म दे सकते हैं या विदाउट नेम भी वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। आपको एग्जांपल अभी आगे मैंने समझाई है, फिर भी इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ऐसा बिजनेस जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहता हो, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मार्केट में आ रहा हो, तो हम उसको कौन सा बिजनेस कहेंगे, जॉइंट वेंचर बिजनेस। चलिए उसमें एग्जांपल भी ले लेते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड टू अंडरटेक वन और मोर वेंचर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्डिंग ब्रिज एंड हाउस। टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप चला रहे हो तो आपके लिए जॉइंट वेंचर बिजनेस है। टेम्पररी यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का, हाउस बनाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब आप बिजनेस पे एंड कर दोगे ना। हाँ, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दो पार्टनर मिलकर ऐसा सोच रहे हैं कि चलो हम किसी को बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, जब वो काम खत्म हो जाए तो मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, तो वो बिजनेस का भी एंड आ जाएगा। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल काइट फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो क्रैकर्स का, फटाके का अगर पूरा बिजनेस करना है, दो पार्टनर ऐसा सोच रहे चलो ना शाम के वक्त फ्री है तो हम ऐसे क्रैकर्स का पूरा शॉप बना देते हैं और बेच रहे हैं वो लोग, फिर जैसे दिवाली खत्म हो जाएगी फिर कोई फटाके लेने आएगा, क्रैकर्स लेने कोई आएगा, नहीं आ सकता। और जैसे काइट फेस्टिवल है जनवरी में आएगा और काइट फेस्टिवल खत्म हो जाए फिर कोई पतंग का बिजनेस कर रहा है तो क्या कोई पतंग लेने आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे कोई सीजन के हिसाब से वो लोग बिजनेस करेंगे और पार्टनर्स इकट्ठा होंगे और प्रॉफिट अर्न करके फिर अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर बिजनेस। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में कितने तरह की मेथड्स हमें प्रिपेयर करनी है। तो अब हेडिंग दिख रहा है आपको, मेथड्स ऑफ कीपिंग अकाउंट फॉर जॉइंट वेंचर। भाई जॉइंट वेंचर बिजनेस में टोटल दो मेथड है, देर आर टू डिफरेंट मेथड फॉर कीपिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने की दो मेथड है, उसमें से सबसे पहला मेथड नंबर ए, व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, यानी कि अलग से बुक बनाई नहीं जाती। अलग से बुक नहीं बनाई जाती उसका मतलब क्या होता है, व्हेन ओनली वन पार्टनर कैप्स अकाउंट और ऑल पार्टनर्स कैप अकाउंट्स इन द बुक्स। यानी कि दो पार्टनर है उसमें से कोई एक पार्टनर अकाउंट लिख रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या फिर दोनों पार्टनर अकाउंट लिख रहा है। दो पार्टनर है ए और बी, ए अपनी बुक में अकाउंट लिख रहा है, बी ने बोला कि आप अकाउंट लिख दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं, ए और बी दोनों अकाउंट लिख रहे हो। तो जब अलग से बुक बनाई नहीं जाती यानी कि पार्टनर खुद अकाउंट लिखता है, तब कितने अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर यानी बिजनेस का अकाउंट। जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते थे कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, वैसे ही जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। वो उसको भी रूल कंसाइनमेंट जैसे ही होता है, जॉइंट वेंचर बिजनेस का अकाउंट है ना तो उसका रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस क्रेडिट दी इनकम। यानी सारे खर्चे बिजनेस में जो भी खर्चे आप करो जॉइंट वेंचर में डेबिट करो, अगर बिजनेस की कोई इनकम है बिजनेस में क्रेडिट करो, और लास्ट में वो अकाउंट में हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। सेकेंड अकाउंट जो बनेगा वो है अदर पार्टनर अकाउंट आर किप्ट, यानी कि अगर ए अकाउंट बना रहा है तो ए की बुक में बी का अकाउंट, दूसरा पार्टनर कौन सा होगा, अदर पार्टनर कौन सा होगा, बी, ए की बुक में बी का अकाउंट। अगर बी अकाउंट बना रहा है तो बी की बुक में ए का अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऐसे बनेगा, पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर, दूसरा ए का अकाउंट, मतलब पहला जॉइंट वेंचर तो बनेगा ही, दूसरा दूसरे पार्टनर का अकाउंट, ऐसे करके कुल दो ही अकाउंट बनेंगे फर्स्ट मेथड में। अब सेकंड जो मेथड है वो है व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट। अब हम यही मेथड से शुरू करने वाले हैं, जो सेकंड वाली मेथड है ना, वो जब सेपरेट बुक्स किप होती है, यानी कि अगर मान लो दोनों पार्टनर के पास टाइम नहीं है, वो लोग बिजनेस को संभाल रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो कस्टमर को संभाले या अकाउंट्स लिखे, ऐसी सिचुएशन में वो लोग अकाउंटेंट रख देते हैं और अकाउंटेंट अकाउंट लिखता है, तो फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन द सेपरेट लेजर, तब नीचे के तीन अकाउंट वहाँ पे प्रिपेयर होंगे जब अकाउंटेंट अकाउंट लिख रहा है। कौन से तीन अकाउंट, सबसे पहला बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बिजनेस का अकाउंट है, आगे मैंने रूल समझाया, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट करो, इनकम हो तो क्रेडिट करो, लास्ट में उसमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा जो दोनों पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। सेकेंड दैट इज जॉइंट बैंक अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है सेकेंड मेथड में, जब अकाउंटेंट अकाउंट लिख रहा है
तो भाई अकाउंटेंट यही बताएगा कि मोस्टली ट्रांजेक्शन बैंक से करो, ताकि क्या है अकाउंटेंट को पूछना ना पड़े कि भाई कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए। आप जानते हो कि बैंक के में कैसा होता है, अगर पासबुक में सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करवा लो तो आपको पता चल जाता है कब कितना वैल्यू का ट्रांजेक्शन किया। तो बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है जब सेपरेट बुक्स बनाई जाती है, यानी कि अकाउंटेंट अकाउंट लिख रहा है तब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनता है, ये नया अकाउंट है। और बैंक का रूल क्या है, सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बैंक में पैसे आ रहे हो तो डेबिट करो, पैसे जा रहे हो तो क्रेडिट करो, ज्वाइंट बैंक का सिंपल रूल है। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो है ऑल पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि ऑल पार्टनर्स यानी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। हाँ, जितने भी पार्टनर है ARB, अकाउंटेंट के लिए सभी पार्टनर एक जैसे, सारे पार्टनर के अकाउंट बन जाएंगे। दैट मीन्स तीसरा जो अकाउंट है उसमें अगर दो पार्टनर हो तो दो पार्टनर की कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसे पूरे अकाउंट्स हम ड्रॉ करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो दो मैथड है ज्वाइंट वेंचर में, वेन नो सेपरेट बुक्स आर कैप्ट, एंड दूसरा मैथड है वेन सेपरेट बुक्स आर कीप। पहला मेथड तब यूज होगा जब पार्टनर खुद अकाउंट लिख रहे हो, दूसरा मेथड जब पार्टनर अकाउंटेंट रख रहा हो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता तो अकाउंटेंट रख देता है, और अकाउंटेंट अकाउंट मेंशन करता है तो तीन अकाउंट बनेंगे, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक एंड ऑल पार्टनर। अच्छा, मेथड कैसे समझ में आएगी आपको, जब सब में आपको ये बोला गया हो कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ, या ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं ज्वाइंट बैंक वर्ड आएगा तो दूसरा मेथड फॉलो करना है, समझ रहे हो। अब हम इसमें से सेकेंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आज के लेक्चर के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये भी समझ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप फॉर्म। भाई ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस क्या है, तो हमें चैप्टर काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस के लिए तीन कॉलम प्रिपेयर करेंगे, उसमें पहला कॉलम बनाएंगे पॉइंट्स का, सेकेंड कॉलम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर का, थर्ड कॉलम बनाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म का, और उसमें वन बाय वन सारे पॉइंट्स टेक ओवर कर रहा है। सबसे पहले मीनिंग जो हमने आगे देख चुके हैं, ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप का दोनों का मीनिंग आ चुका है, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइंट इन अ बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट विथ फॉर्म नेम और विदाउट नेम इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। भाई ज्वाइंट वेंचर क्या है, जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, फॉर्म का कोई नेम देंगे या फिर विदाउट नेम भी हो सकता है, तो उसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। जबकि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइंट इन बिजनेस विथ पर्पस टू अर्न प्रॉफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। भाई यहाँ पे भी दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, उनका पे पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड मतलब एक दो साल के लिए नहीं, जब तक है जब तक बिजनेस चलेगा तब तक चलाएंगे, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड पॉइंट जो दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा वो है नेम। भाई ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, इट इज़ विदाउट फॉर्म नेम। देखो वो फॉर्म के नाम के बगैर भी हो सकता है, जैसे काइट फेस्टिवल में आप काइट शॉप लगा रहे हो, पर आपकी दुकान का कोई नाम देना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, बट वो विदाउट नेम भी हो सकता है। पर जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, इट्स कैरिड अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ द फॉर्म। भाई उसमें एक पर्टिकुलर नाम देना होता है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, हाँ फॉर्म का कोई पर्टिकुलर नाम होना ज़रूरी है, क्लियर। तो जॉइंट वेंचर विदाउट नेम होता है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म विद नेम होता है। थर्ड डिफरेंस, दैट इज पर्सन। अब जो पार्टनर है उसको क्या बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं पार्टनर, पर ज्वाइंट वेंचर में क्या बोलता है, द पर्सन कैरिड ऑन बिजनेस आर कॉल्ड को वेंचर्स। भाई जो ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर है उनको क्या बोला जाता है, को वेंचर्स, यानी आपका दूसरा पार्टनर उसको बोलेंगे को वेंचर्स, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में तो उनको पार्टनर ही बोलते हैं ना। द पर्सन कैरिड ऑन बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स, तो हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तीन डिफरेंस के पॉइंट, आगे और भी सारे वो भी देख लेते हैं। चलिए डिफरेंस में और भी सारे पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो सेम तीन कॉलम, उसमें पॉइंट्स आ जाएगा, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है एक्ट, ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट नहीं है, देर इज़ नो स्पेसिफिक एक्ट गवर्निंग ज्वाइंट वेंचर, यानी ज्वाइंट वेंचर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंपनी एक्ट नहीं बनाया गया है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भागीदारी कायदो 1932, हाँ वहाँ पर एक्ट है पूरा,
क्लियर। नेक्स्ट वन दैट इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में जॉइंट वेंचर में लायबिलिटी कैसी होती है? लायबिलिटी ऑफ को वेंचर्स मे बी जॉइंट और सेवरल। भाई यहाँ पे ना जॉइंट वेंचर में को वेंचर यानी आपका जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी जॉइंट होती है, दोनों को साथ में जुल मिल हिल मिलकर काम करना है, और सेवरल दोनों की अलग अलग भी ड्यूटी बांट दी हो सकती है, मतलब दोनों अलग से भी वर्क कर रहे हो सकता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ऑलवेज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब उसमें कोई लायबिलिटी डिसाइड नहीं होती, जितना काम बिजनेस में करना होता है उतना काम उन दोनों को करना पड़ता है, मतलब लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। जबकि जॉइंट वेंचर में आप कह सकते हो पार्टनर ड्यूटी लायबिलिटी बांट दी गई होती है, जॉइंट होते या फिर सेवरल होती है बांट दी गई होती है। नेक्स्ट वन दैट इज सिस्टम। अब जॉइंट वेंचर कैसा सिस्टम है, तो इट्स फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। हाँ, किसी को उधार दे दिया फिर वो इंसान दिखे ही नहीं, तो जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता, जनरली वो लोग कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। जबकि पार्टनरशिप में इट्स फॉलोज द मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब ऐसा कैश क्रेडिट सब सिस्टम वो लोग फॉलो करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक तरह के ट्रांजेक्शन हो। चले लास्ट डिफरेंस का पॉइंट देख लेते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है, विसर्जन, बंद कर देना। तो डिसोल्यूशन क्या जॉइंट वेंचर में हो जाता है, हाँ देख लेते हैं उसका पॉइंट। जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व्ड व्हेन द वेंचर इज कंप्लीटेड। जब काम खत्म हो तब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, मतलब काम खत्म बिजनेस खत्म, प्रॉफिट अर्न हो गया बिजनेस भी एंड हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कट होता है, तो ये बिजनेस डिसोल्यूशन हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप में, अब पार्टनरशिप इज नॉट डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली अनलेस द पार्टनर्स डिसाइडेड। पार्टनरशिप फॉर्म कभी बंद नहीं होता जब तक कि पार्टनर्स खुद डिसाइड ना करें। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दो तीन साल बिजनेस चला, पाँच साल चला, दस साल चला, 15 साल चला, जब तक वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंद नहीं करते तब तक पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है, जबकि जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है डिफरेंस? चलिए तो जो दूसरा मेथड है अब उसकी जनरल एंट्री समझना स्टार्ट करें। सबसे पहले मेथड का नाम क्या था, व्हेन सेपरेट बुक्स आर कैप्ट फॉर अ जॉइंट वेंचर, मतलब अलग से बुक बनाई जाती है, मतलब आप कहने के लिए ये भी कह सकते हो जब अकाउंटेंट आप रख देते हो, दो पार्टनर के अलावा तीसरा बंदा जो अकाउंट लिख रहा है, हाँ आप अकाउंटेंट रख देते हो क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है, तो जब सेपरेट बुक्स बनाई जाती है यानी अकाउंटेंट अकाउंट लिखता है तो तीन अकाउंट बनता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स अकाउंट। अच्छा अब उसकी जनरल एंट्री समझना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से। अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन सेपरेट बुक्स आर कैप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे, अलग अलग मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ और उसकी जनरल एंट्री आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, व्हेन पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स कैपिटल। अब बिजनेस चलाना है तो पार्टनर अपने कैपिटल देंगे ना, कुछ पैसे तो देंगे ना बिजनेस के लिए। एक या दो पार्टनर जो एक साथ मिल रहे हैं, दो पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो दोनों पार्टनर अपने कुछ पैसों से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट होगा, तो सबसे पहले जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान लो अगर दो पार्टनर है ए और बी और वो बिजनेस के लिए कैपिटल दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे जब अकाउंटेंट एंट्री करेगा तो अकाउंटेंट के लिए बैंक में पैसे दिए जाएंगे, हाँ पार्टनर बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, कौन पैसे दे रहा है, ए और बी दोनों पार्टनर, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, जितने जितने पैसे देंगे उतने से बैंक में पैसे आएंगे और पार्टनर पैसे दे रहे हैं। सेकेंड एंट्री वो हम करेंगे व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर। अब बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए आपके पास गुड्स होना चाहिए ना, सपोज आप काइट फेस्टिवल के लिए काइट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, गुड्स तो परचेज करने पड़ेंगे ना, तो जब बिजनेस के लिए आप गुड्स परचेज कर रहे हो तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बिजनेस में आप गुड्स ला रहे हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, परचेस किया आपने, खर्चा किया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या गया, पैसे गए टू जॉइंट बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं तो जॉइंट बैंक क्रेडिट करो। हाँ जॉइंट बैंक का तो सिंपल नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चले तीसरा जनरल एंट्री, When partners like A gives goods of or pays expenses personally, जब कोई पार्टनर बिजनेस के लिए खर्चा करता है, यहाँ पे मान लो कि A ने खर्चा किया, says A,
यानी ए ने खर्चा किया ऐसा मान लो। अगर पार्टनर बिजनेस के लिए खर्चा करे तो बिजनेस के लिए खर्चा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि खर्चा किसने किया, ए ने किया। तो ये जैसा आप कंसाइनमेंट में करते थे ना, कंसाइनर बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस के लिए खर्च कर रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर में जो ये सेकेंड मैथड है ना, वहाँ पर अकाउंटन अकाउंट लिख रहा है। बिजनेस का खर्चा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, और किसने खर्चा किया, ए ने किया, तो टू एस अकाउंट। समझ में आ रहा है? चलिए अब नंबर नेक्स्ट एंट्री देखने जाएंगे, फोर नंबर, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। चलो मान लो पार्टनर खर्चा नहीं करे, पर बैंक में से अगर वो खर्चे पे कर रहा है, तो बिजनेस का खर्चा जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, भाई बिजनेस का खर्चा, इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, और पैसे कहाँ से गए, बैंक में से गए, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। पार्टनर करे तो टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बैंक में से खर्चा कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री नंबर फाइव, व्हेन कैश सेल फॉर जॉइंट वेंचर इज मेड। जब कैश सेल करते हो, यानी कि बिजनेस के लिए अगर आप सेल कर रहे हो, तो बिजनेस के लिए पैसे आएंगे और सेल होगा, तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे और बिजनेस के लिए वो फायदा है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिजनेस के लिए फायदा है और पैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट एंट्री नंबर सिक्स, व्हेन स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर गुड्स इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर सेज बी। जब ऐसा हो कि लास्ट में बिजनेस खत्म होने को आया है, सीजन खत्म होने को आई है, तब कुछ स्टॉक अगर बच रहा है और वो पार्टनर लेके जा रहा है, हाँ जस्ट लाइक बी अगर कोई स्टॉक लेके जा रहा है, पार्टनर स्टॉक लेके जाए, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर लेके गया ना, बी लेके गया, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। बी गुड्स लेके जा रहे हैं, इसीलिए बी का अकाउंट डेबिट हुआ, और बिजनेस में से स्टॉक चला गया है, इसीलिए टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर? चलिए लास्ट की एक दो एंट्री और है, वो भी देख लेते हैं। नंबर सेवन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब बिजनेस का में प्रॉफिट अर्न होता है लास्ट में, जब अकाउंट बंद करते हो, तो बिजनेस का प्रॉफिट का क्या किया जाता है, उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड प्रॉफिट हुआ होगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, मतलब ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट हो तो दोनों पार्टनर के बीच में बांट दिया जाता है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। चले लास्ट एंट्री नंबर एट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। चलो पार्टनर के अकाउंट फिर सेटल करने से क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बंद किया, वो ले गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर आप सेटल कर रहे हो, तो उसकी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर आप पार्टनर को पैसे दे रहे हो, लास्ट में पार्टनर के पास से पैसे लेने हो सकते हैं या उसको पैसे देने हो सकते हैं। अगर पार्टनर को पैसे देने हो, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास से पैसे जाएंगे, यानी बिजनेस में से पैसे जाएंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी अगर हमें पार्टनर को पैसे पेमेंट करने हैं तो। अब ये सारी एंट्री हमें सब में भी देखनी है, समझ रहे हो? तो पहला मेथड, व्हेन सेपरेट बुक्स आर प्रिपेयर, मतलब अलग से बुक बनाई जाती है जब अकाउंट अकाउंट लिखता है। जब भी सब में आपको जॉइंट बैंक वर्ड दिखे ना, तब ये मेथड फॉलो करनी है। क्लियर? ये तो सारी एंट्री डिफरेंस और पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे पीपीटी में मैंने समझाया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।